Hello everyone, welcome to our channel. Hope you all are well during this corona pandemic. Stay home and stay safe. I am your educator, Srishti Khare. I have done my graduation and post graduation in agriculture biotechnology. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को अपने लिए एक कैरियर ओरिएंटेड बना सकते हैं। किसी भी कैरियर को ऑप्ट करने से पहले एक स्टूडेंट के मन में कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि क्या ये सब्जेक्ट मेरे लिए सही है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं, मैंने इसे चूज कर लिया तब मैं क्या करूंगा। लकीली आई हैव आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर साइंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ। आवर वर्ल्ड इज बिल्ड ऑन बायोलॉजी एंड वंस वी बिगिन टू अंडरस्टैंड इट बिकम्स टेक्नोलॉजी। मतलब हमारी जो दुनिया है पूरी बायोलॉजी पर बनी है। जैसे कि हम देखते हैं प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, और एक बार जब हम इसे समझना शुरू कर देते हैं, इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या हैं, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, सिलेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें किसी भी टर्म को समझना है तो हमें सिंपली उसे ब्रेक करना होगा कि हमारा टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, तो हमने इसको ब्रेक किया बायो प्लस टेक प्लस लॉजी। तो इसमें बायो का मतलब है लाइफ, टेक का मतलब है स्किल्स और लॉजी का मतलब है स्टडी, इक्वल टू बायोटेक्नोलॉजी। सो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज डेराइव फ्रॉम अ फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करके और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट को यूज करके किसी मॉडिफाई और यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लाइक फॉर इम्प्रूविंग प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जो कभी आपने सोचा है कि हमने एग्रीकल्चर को बायोटेक्नोलॉजी से क्यों लिंक किया, जबकि हमारे एग्रीकल्चर में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन समय बेहतर प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और उनमें भी हम ज़्यादातर बायोलॉजिकल एजेंट्स का ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। पर हम इन एक्टिविटीज़ को बायोटेक्नोलॉजी नहीं कह सकते। जनरली हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर मार्कर, जो कि हमारी सारी इन विट्रो टेक्निक्स हैं जिन्हें हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, फील्ड पर नहीं। अगर हम देखें ये एक लैब टू लैंड प्रोग्राम है जिसमें हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो इश्यू है प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, उनको कम कर सकें। और अगर हम 2020 में देखें, हम ऑलरेडी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्राइसिस को फेस कर रहे हैं डे टू डे। फॉर एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक, लोकास्ट अटैक, पैंडेमिक ड्यू टू COVID-19। इमेजिन करें आज से 10 साल बाद 2030 में
वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डबल और ट्रिपल से भी ऊपर हो जाएगी। और देखा जाए तो एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें फूड, फीड, फॉडर, फाइबर, फ्रूट्स, ये सारे प्रोडक्ट हमें एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं, क्योंकि हमारा फार्मर दिन रात काम कर रहा है। और उनमें से बहुत सारे फार्मर्स खुश हैं क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं, उनके पास ऐसी रिसोर्सेज हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके एक साइंटिफिक वे में प्रोडक्शन करके अपने यील्ड को बढ़ा रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिन तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही है और वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गए, नेचुरल डिजास्टर हो गए, और धीरे धीरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं, जैसे कि वाटर, लैंड, सॉइल, एयर पोल्यूशन। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं और कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर्स की हेल्प कर सकती है? तो ऐसे में हम अगर टीम वर्क करें जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड फार्मर्स, अगर ये तीनों साथ हो जाएं, तो हम एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में। और अगर हमें इंडिया को एक एग्रीकल्चर सुपर पावर बनाना है, तो हमारा जो फार्मर है उसको हमें सशक्त बनाना होगा, सो वी कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स टू अवर सोसाइटी। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी है जिसमें कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक साइंस के और इंजीनियरिंग के। अगर हमें लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल सकते, हमें बाकी सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक सैम्पल, और हम उसे स्ट्रेन भी कह सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेन चॉइस एंड इम्प्रूवमेंट का, इसमें कि हमें सेल बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है कि हम उससे एक डिज़ायर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मास कल्चर, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने स्ट्रेन लिया था तो हम लार्ज स्केल पे कल्चर करते हैं। इसमें हमें नॉलेज होनी चाहिए सेल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग। थर्ड है हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सेल रिस्पॉन्स, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसे हम बेहतर ढंग से यूज में ला सकें। तो इस ऑपरेशन में हमें सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑपरेशंस, इसमें हम क्या देखते हैं, हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोसेस हमने परफॉर्म किए हैं प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में, सेफ है, रिप्रोड्यूसेबल है, कंट्रोल है, जो प्रैक्टिकल है, जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हुआ है या नहीं। मेजर डिसिप्लिन जो हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है वो है प्रोसेस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिकवरी, इसमें जो डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं वो है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। चलिए तो अब बात करते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की। बच्चों, आप कभी मॉल गए हो या किसी ग्रोसरी स्टोर में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर हमें गाजर मिल रही है, मटर मिल रही है, गोभी मिल रही है, वो भी बिना सीजन के, है ना कमाल की बात। बात ऐसी है कि कोई भी चौंक जाएगा इन सब के बारे में जानकर कि ऐसा कैसे, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक साइंस और टेक्नोलॉजी का मेल है जिसने आपके लिए हर चीज़ बहुत ही आसान बना दी है। और आगे भी ये कोशिशें
जा रही हैं, जिसका एक बहुत ही वंडरफुल इम्पैक्ट हुआ है हमारी सोसाइटी पे रिगार्डिंग ह्यूमन वेलफेयर, फूड प्रोसेसिंग, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। और रिजल्ट अगर देखें तो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ट्रेड, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ह्यूमन हेल्थ, इन सब में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड मेडिसिन की, देखा जाए तो पहले हमारे पास जॉइंटिस की दवाई नहीं थी, कई सारी ऐसी वैक्सीन जो आज के टाइम पर अवेलेबल है पर पहले नहीं थी। तो हम क्या देख रहे हैं, दवाइयाँ बन रही हैं, बेहतर दवाइयाँ बन रही हैं। अगर कोरोना वायरस को ही लेकर अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है। हमारे देश में बचने वालों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मरने वालों से, पैंडमिक होने के बाद भी बच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प कर रही हैं। डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जिससे हम कैंसर को भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जीन थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसीज। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर इंक्रीज मिल्क ग्रोथ रेट, रेजिस्टेंट टू डिसीज एक्सेट्रा। ट्रांसजेनिक पिग्स, माइस, चिकन, रैबिट, कैटल, शीप, फिश, एनिमल ब्रीड को और इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमें डिजायर्ड और वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल सके। नेक्स्ट है केमिकल एंड बायोकेमिकल, कि हम मोस्टली हमारे जो यूजफुल कंपाउंड्स हैं जैसे कि इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, तो ये हम किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। जो मोस्टली हमारे एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, भी हम किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, फंजाई से, बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसिस एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेस यूजफुल एंड चीपर कंपाउंड इंटू मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल कंपाउंड, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग। जितना भी हमारा जो प्रोसेस फूड है जो मार्केट में अवेलेबल है, लाइक ब्रेड, पिकल, टमाटो सूप, फ्रूट्स, जूस, रियल के जो पैकेट आते हैं, जो मार्केट में हमें पनीर बटर मसाला, सुहाना मसाला घर पर लाए झटपट बनाए, इन सबको लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए ऐसे माइक्रोब्स का यूज करते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है। इसमें हम बेसिकली हमारा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि वो जल्दी सड़े या गले नहीं, या उनकी न्यूट्रिएंट जो क्वालिटी है वो खराब ना हो और लंबे समय तक बनी रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो इसमें हम डिफरेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज करके ऐसी क्रॉप डेवलप कर रहे हैं जो कि वायरस रेजिस्टेंट हो, डिसीज रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, जो हमारी पैदावार को बढ़ा सके, में कि पेस्टिसाइड का कम यूज हो और जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सके, और एक हम और जो हमारा फार्मर हो वो एक हैप्पी फार्मर हो। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, हमें क्या रिजल्ट मिले साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमने देखा कि हमारे जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है, और ये टेक्नोलॉजी हमें एक इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम इंसेक्ट और पेस्ट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये टेक्नोलॉजी हमें नए नए ऑप्शंस देती है कि हम कैसे अपने फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू, फ्लेवर, टेक्सचर इम्प्रूव कर सकें, कैसे हम अपने फूड की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकें और इसके न्यूट्रिएंट्स को लॉस होने से बचा सकें।
जैसे कि हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं से डिसीज के जो वायरस के थ्रू कॉज करता है, और कई ऐसे डिसीज जो कि इंसेक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं क्योंकि बहुत तेजी से स्प्रेड होता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, और ऐसे डिसीज या वायरसेस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जिससे कि हमारी पूरी की पूरी क्रॉप डैमेज हो जाती है। ऐसे डिसीज को कंट्रोल करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसी क्रॉप डेवलप करते हैं जो कि वायरस रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, हर्बिसाइड टॉलरेंट हो, मेनली यूजिंग द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। ये सब एक बहुत ही पावरफुल टूल है बायोटेक्नोलॉजी के, हमें डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया के बारे में। तो बच्चों हमारे इंडिया में कुछ ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री प्रोवाइड कराते हैं इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो कि लोकेटेड है पूसा कैंपस न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है इजात नगर बरेली उत्तर प्रदेश, जो कि एडवांस रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इन फील्ड ऑफ वेटनरी एंड मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लोकेटेड है पूसा कैंपस न्यू दिल्ली, और इट इज़ एन एग्रीकल्चर और इट इज़ एन इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लोकेटेड है करनाल हरियाणा में, और इट इज़ एन इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डेयरी रिसर्च। और हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज DVT फंडेड सेंटर्स भी हैं जो कि UG और PG कोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि मदुरई यूनिवर्सिटी, JNU न्यू दिल्ली, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटोर, नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उस्माया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, रीजनल रिसर्च सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। बच्चों हमें इन बड़े और बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे, उसके लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी होगी। कई सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, आप उनकी प्रिपरेशन करते हैं और उन्हें क्लियर कर लेते हैं तो आपको इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ ICAR, AIEEA, JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम, DBT, GATE और CSIR। इन सारे एग्ज़ाम्स में से अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपको उसके साथ साथ फेलोशिप भी मिलेगी अराउंड 35,000 पर मंथ। बच्चों अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के फ्यूचर स्कोप की तो इसका स्कोप आगे बढ़ेगा ही। आजकल हम जो चैलेंजेस और क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में इन सारी परेशानियों को हल करने की भी क्षमता है। तो बच्चों ये थी कैरियर इन बायोटेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन। अगर आप अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक बटन को हिट करें। जल्दी ही मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।